हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों देख सकते हो कि मैं अभी हाल फिलहाल से, मतलब बोल सकते हैं कुछ दिनों से, मैं बोकारो का ही ब्लॉग शूट कर रहा हूं। तो एक ब्लॉग में काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है जो कि आप लोग आज दिखाने वाले हैं। और इधर देख सकते हो बबलू भाई भी है इधर। हेलो आशीष, दोनों हैं। तो मुझे तो जानकारी इधर का, तो बताएंगे कहाँ लेके जाने वाले भाई जी? आज हम लोग लेके जाने वाले हैं सुसाइड पॉइंट, जो कि बहुत ही अच्छा प्लेस है एंड द मोस्ट हंटेड प्लेस। हाँ, मतलब कोई भी यहाँ पे बैड न्यूज आता है तो वहीं पे जाके सब कहीं सुसाइड करते हैं। तो सब पता नहीं, आप लोग जाके वीडियो बना के तो नहीं दिखा दिया कि भाई कि ये सुसाइड पॉइंट है, या तो वो रियल में वहाँ घटना हुआ इस तरह? रियल में घटना हुआ, वहाँ पे घटना होता भी है अभी भी, जैसे रिजल्ट वगैरह कुछ आता है तो अधिकांश वहीं पे आपको कुछ ना कुछ मैटर मिलेगा ही। ऑब्वियसली खास करके अभी वहाँ पर सिक्योरिटी भी लगा दिया। अच्छा, तो फिलहाल अभी हम लोग महात्मा गांधी चौक के पास है दोस्तों, इधर सेक्टर 4 में। और चलिए चलते हैं उस जगह में, देखते हैं कि वाकई में कुछ है कि नहीं, और हो सकता है तो वहां का जो भी लोकल मिल जाएंगे तो उन लोग से पूछेंगे वाकई में ये जगह सुसाइड पॉइंट का नाम दिया गया है या भाई लोगों ने वीडियो बनाई। क्योंकि जितने भी बोकारो का ब्लॉगर है खास करके नामी, वो वहाँ का बना चुके लगभग लगभग सभी के पास, सभी के यूट्यूब के चैनल पे आप लोगों को सुसाइड पॉइंट का वीडियो मिल ही जाएगा। तो चलिए ज्यादा लेट नहीं करेंगे भाई, वहीं पर जाके सारे चीज बताने वाले हैं, सारा चीज कहानी, चलो क्या क्या हुआ नहीं हुआ। तो चलते हैं, कितना दूर है यहाँ से? बस यहाँ से 1 किलोमीटर। तो चलो ब्लॉग पर बने रहो हमारे साथ। मेला स्वदेशी, स्वदेशी खादी महोत्सव हर जगह लग रहा है, धनबाद में भी लगता है, बोकारो में यहाँ पर प्राय लगता है इस जगह पर, बॉल ग्राउंड में हाल फिलहाल में लगा था कुछ मेला। सो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आगे। हमारे साथ तो सूरज की किरण उधर से आ रहा है, जिसके कारण से थोड़ा सा लाइटिंग कम मिल रहा होगा दोस्तों, लेकिन ये साइड में काफी अच्छा लाइटिंग आप लोग को दिखेगा। देखो अगर हम लोग पीछे में काफी भयानक सीन आएगा, देखो कैमरा को ऊपर करो। तो दोस्तों देख सकते हैं ये कुछ लोकेशन है इधर। तो हम लोग डायरेक्टली चलते हैं क्योंकि देख रहे हैं रोड ऐसे खराब है इस साइड से, क्योंकि ये ब्लॉक ही है। बट यहाँ पे सिर्फ आपको मतलब 4 2-व्हीलर ही अंदर जा सकता है, 4 व्हीलर का कोई जगह नहीं है। बट यदि आप लोग आते हैं तो, बट हमारा गाड़ी जो कि एडवेंचर में हमेशा चलता है, ये सवारी नज़ारा पूरा। तो भाई चलिए डायरेक्ट चलते पॉइंट जिसको ना, बोकारो का उसी का नाम दिया गया है सुसाइड पॉइंट। चलो आप चलते हैं आगे। ये रहा मीरा जी का सर, पंचर हो गया क्या? और ये हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं और देख रहे हैं अभी का नज़ारा कुछ इस तरह से है, काफ़ी बेहतरीन नज़ारा है। दोस्तों फाइनली देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं कूलिंग पॉइंट 2, यानी कि सेक्टर 4 और 9 के बीच में ही ये है। और दोस्तों यहाँ पर पता नहीं सुसाइड होता है कि क्या होता है, भाई लोग तो वीडियो पहले से बना चुका है ऑलरेडी। नहीं नहीं, सुसाइड होता है या नहीं होता ये अलग बात है, बाकी अभी का नज़ारा देख सकते हो, शाम के टाइम जो सनसेट है ना देखने में मजा आ रहा है। तो गाइस देख सकते हो उधर सनसेट अभी हो रहा है, और ये सामने में जो देख सकते हो सामने ऐसा लग रहा है कि फील हो रहा है कि चल रहा है, आप लोग बताना कि यहाँ से में पानी में ऐसे बहाव हो रहा है कि नीचे से चल नहीं रहा है, वो मोशन रहता है जैसे कि हम लोग का ये कमल का फूल होता है ना उस तरह, ये स्पॉन्जी टाइप का रहता है जिसका ये हिलते उलटे रहता है। और दोस्तों यहाँ का नेचर भी देख सकते हैं, कितने मतलब पंछियाँ हैं छोटे छोटे यहाँ पर, मतलब ये घूम रहे हैं शाम के टाइम, और काफ़ी अच्छा व्यू। और अभी खास करके इस जगह में छेड़ भी लग रहा है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि अभी यहाँ से अपना अपना सब कुछ देख सकते हैं जगह का ये कर रहा है, मतलब छठ के दिन में जो पूजा वूजा होगा उसके लिए घाट मतलब तैयारी चल रहा है अभी से, तो काफ़ी अच्छा व्यू है। अब चलते हैं आगे उधर, आप लोग को सामने कहाँ पर होता है ये भाई बताएगा, किधर होता है सुसाइड बताओ। अंदर अंदर चलिए, अंदर तरफ हम लोग जाने। सो गाइस ये वीडियो बता रहे हैं आप लोग को इसलिए क्योंकि आप लोग ऐसा ना करें, और ये मतलब वीडियो बता दे रहे ताकि भाई सुसाइड मत कर लेना, और वाकई में सुसाइड पॉइंट है कि नहीं वो तो। और यहाँ से आप लोगों को इन करना है, देख रहे हैं ये सब पूरा लगा हुआ था, बस अभी पूरा टूट चुका है। और शाम को यहाँ पे हमेशा आप लोगों को लोगों का भीड़ लगेगा क्योंकि सब कोई आते हैं, और यहाँ पे थोड़ा शांत भी है माहौल, देख रहे हैं कोई भी चीज का ये नहीं टेंशन। सनसेट निकल हो रहा है, वो काफी अच्छा आ रहा है, देख सकते हो काफी अच्छा नेचुरल व्यू। सो चलिए अब आगे दिखाते हैं। पता नहीं इस जगह को लोगों ने सुसाइड पॉइंट क्यों बोल के रखा हुआ भाई, खास करके बोकारो के जितने भी सोशल मीडिया मैंने देखा सर्च करके, ये जगह का हाईलाइटेड किया गया है सुसाइड पॉइंट के नाम पर। भाई थोड़ा सीधा आ जाएंगे हमारे कैमरा के बीच में, चलो बताओ भाई आपका नाम बताइए। लालू जी, तो भाई यहाँ के बारे में कुछ जानते हो? बारे में बस नॉर्मल नॉर्मल, ऐसा कुछ सुनने में आया कि सुसाइड पॉइंट बोला गया है।
क्या ये वाकई में है ऐसा कुछ? साइड पॉइंट नहीं है, एग्जाम फोबिया पॉइंट। अच्छा, एग्जाम से डर के बच्चे इसमें सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा कुछ ऐसा ही सीन ऐसा कुछ है कि इसलिए सुसाइड पॉइंट? हाँ भाई, सुसाइड होने का तो कारण होता ना, क्रिटिकल टाइम बनता है बस मई टू जून, मतलब ये सच्चाई होता है यहाँ पर। टू मंथ में इन ईयर। चलो थैंक यू भाई। तो भाई आप लोगों ने सुन लिया, क्योंकि भाई अगर एक सोशल मीडिया दूसरे सोशल मीडिया से पूछेगा तो आप लोग सोचेंगे भाई चुतिया बना रहा है। सही बात, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है वर्जित क्षेत्र प्रवेश, मतलब आपको खतरा यहाँ डेंजर भी लिखा गया है। और उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं किस तरह के यहाँ लोग आते हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले पानी जो होता है वो फिल्टर होता था, बट अभी इस तरह कूलिंग पॉइंट के भी नाम से जाना जाता, बट ऐसा भी है नहीं। अभी आइए आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर ऐसा कुछ फील हो रहा है कि यहाँ देखिए गर्म गर्म हवाएं चल रही है, पर यहाँ कुछ नहीं है भाई, बोतल वोतल फेंका हुआ है। इधर भी देख सकते हो, अच्छा मशीन जो था ये मतलब बंद पड़ा हुआ है ना। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें मशीन पहले लगा हुआ था जिसमें पानी को फिल्टर करके जितना भी सेक्टर है बोकारो का, सेक्टर 9, सेक्टर 4, सेक्टर 2C, ये सब जगह पे पानी को भेजा जाता था। बट मशीन वगैरह अभी ऑफ हो चुका है, इसके चलते अभी नाम दिया गया इसको सुसाइड पॉइंट। नहीं तो यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ से, एक्चुअली यहाँ पर सिक्योरिटी भी पता चला कि सिक्योरिटी भी यहाँ पर रहता है। हाँ, तो कारण से लोग यहाँ पर हो सकता है कर लेते होंगे, क्योंकि ये वाकई में यहाँ जाने के बाद आदमी को बचने को कोई उम्मीद नहीं है, इसी कारण से इस जगह को स्पेशली सुसाइड पॉइंट बोला गया है। और आप लोग बाद बाकी व्यू देख सकते हो फ्रेंड्स, कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे। अभी जो सनसेट हो रहा था काफ़ी अच्छा यहाँ से देखने को, बोल सकते हैं शाम के टाइम काफ़ी अच्छा नज़ारा था। और ऐसा फील हो रहा है कि वो देख सकते जो ये जो पौधा देख रहे हैं सामने, जो ये यहाँ मैंने कुछ देर पहले देखा, अभी देखो उधर चला गया है। हाँ सही है। और वाकई में ऐसा लग रहा है कि ये चल रहा है नाव, नाव की तरह में बैठे हैं और आराम से हम लोग शेयर करें। और फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग पूरा बोकारो का व्यू देख सकते हैं चारों तरफ। शायद अभी लाइटिंग की वजह से आप लोग को दिखाई दे रहा होगा नहीं, बट धुआं आप लोग का नज़र जो कहीं पर एंडिंग करते, क्योंकि शाम होने चला है। और इसके बारे में क्या बताएं, लोग सामने में नहीं बोलना चाहता कैमरा के सामने में, बट बोलता है कि भाई सुसाइड पॉइंट है यहाँ पर। अब आप लोग बताना कमेंट्स करके, जो भी बोकारो से या तो यहाँ के बारे में जो भी जानते हो, ये एक्चुअली कूलिंग पॉइंट था क्या भाई? हाँ, कूलिंग पॉइंट के ही नाम से जाना जाता था, बस उसके लिए, लेकिन इसको गलत नाम दिया जा रहा है, हो सकता है घटना हुआ होगा उसे। तो चलो कोई बात नहीं, आप लोग बताना कमेंट्स करके। तो चलो फिलहाल के लिए ब्लॉग कहीं पर एंडिंग कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। और बताना भाई ऐसे कुछ रहस्यमय जगह है क्या बोकारो में, तो मैं उस जगह पर जाने वाला हूँ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय एंड गुड नाइट।